हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेस माय स्टडी हब। दोस्तों, आज हमारे संधि के टॉपिक में जो अयादि संधि है उसका लास्ट वीडियो है। अयादि संधि परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि हमने इसके नियम को लिख लिया है, अयादि संधि में यदि ए ऐ ओ औ के बाद क्रमशः बेमेल स्वर आए तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसे हम किस प्रकार से समझे कि ए का ऐ, ऐ का आय कैसे हुआ, ये हम इसे एक सामान्य सूत्र के द्वारा समझेंगे। इसका जो एक सामान्य सा सूत्र है, जैसे ए, ए का क्या हो जाता है, ऐ, ए का ऐ, ए का ऐ हो जाता है, और ऐ का आय, और ओ का अव, और अव का आव। ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का अव और अव का आव हो जाता है। अब इसे हम किस प्रकार से समझे, आइए इसे देखते हैं। एक एक और मेथड है जिसके जरिए आप अयादि संधि को पहचान सकते हैं, जैसे कि वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के द्वारा भी इसे पहचाना जा सकता है, जैसे कि नयन। एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम, जैसे नयन। अभी हम बस ऐसे ही आपको पहचान के लिए बता रहे हैं। तो नयन का अगर हम वर्ण विच्छेद करें, न प्लस अ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस अ, तो हमने ये पूरा नयन का हमने वर्ण विच्छेद कर लिया। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि अ और य आया, अय, ये क्या आया, अय। तो यहीं से हमने पहचाना कि इसमें जो है अयादि संधि का प्रयोग है। अयादि संधि के लिए सही तो संधियों में अय आया, यहाँ पे अय छिपा हुआ है अ और ये य, लेकिन इसे जब हम विच्छेद करेंगे तो जब ए का अय हो रहा है तो जब विच्छेद करेंगे तो अय का ए हो जाएगा, तो न पे वही एक ही मात्रा लगती है और इसमें से इसका जो है अन अलग हो जाता है, ये अन पूरा अन, तो ये बन गया नयन। तो आई एम और एग्जांपल के द्वारा इसे समझेंगे। इसके अयादि संधि के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे नयन, शयन, गायक, नायक, पावक, पावक, पवित्र, पवन, पवन, नयन का विच्छेद होगा ने प्लस अन, और शयन का विच्छेद इसमें भी अय छिपा हुआ है, तो इसमें शे प्लस अन हुआ इसका शयन, और इसमें आय है, ये आ की मात्रा और ये आय, तो इसमें गए प्लस अग, गायक, और नायक में नय प्लस अक, नायक। अब इसके बाद हमारा औ, औ की मात्रा का आ गया, तो पावक, पावक में आव छिपा है, ये आ और ये व, आव, तो इसमें आव है, यहाँ पे आव है तो यहाँ आव की मात्रा होगी, तो ये हो गया पाव
प्लस अग, और यहाँ पवित्र, पवित्र पव अव आ रहा है तो पो प्लस ये इस पे ई की मात्रा है और त्र तो इत्र, पवित्र पो प्लस इत्र, और पवन में है अव आ रहा है इसमें भी तो अव है तो अव किस में बदलेगा ओ में, तो पो प्लस अन, और इसी तरह भवन है भवन में भी अ और इसका व तो भवन का होगा वो प्लस अन। एक और एग्जांपल है जो पूछा जाता है जैसे नायिका, नायिका और एक भावुक, भावुक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में से पूछे जाते रहे हैं। जैसे नायिका इसका होगा नय प्लस इका, नायिका, और भावुक का भाव प्लस उक। तो ये पूरे एग्जाम्पल्स में आप समझ गए होंगे कि अयादि संधि किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।